यो वाड़ी सब गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, मैं पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें ऑडियो बहुत मतलब बहुत कम आ रहा है। मुझे पता नहीं क्यों, पर मुझे शायद से एक रीज़न पता है, क्योंकि अभी रिसेंटली आज वेडनेसडे को मैंने एक नया गेमिंग हेडफोन्स ख़रीदा। तो जो गेमिंग हेडफोन्स आई थिंक सो उसका सेटअप मैंने ढंग से किया नहीं अब तक, तो इसीलिए ऐसा साउंड आया। पर डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम पक्का मैं कर दूंगा अच्छे से साउंड। और आपको भी पता है कि इस गेम में ज़्यादा वॉइस ओवर देने का कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन आज मुझे देना पड़ेगा क्योंकि साउंड इफेक्ट तो आएगा नहीं और आप बोर हो जाओगे, तो इसलिए आज थोड़ा ज़्यादा वॉइस ओवर करूँगा। मेरा बक बक आपको और भी सुनना होगा, उसके लिए पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ। और अगर स्टोरी टाइम आता है तो मैंने वो देखा वो क्लिप, उसमें थोड़ा बहुत हल्का आवाज़ आ रहा है, अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके सुनोगे तो आ जाएगा आवाज़। और सॉरी गाइस, क्या कर सकते हैं, अभी कोई नहीं, देख लेते गेम की तरफ। और नीचे सबटाइटल्स आएगा, वो तो आप पढ़ ही सकते हो स्टोरी के वक्त। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और डॉग तो सबको पकड़ के पेल रहा है, यूज माउंटेड गन। अच्छा, इसमें कुछ अच्छा गन है अभी। ओ भाई साहब, ओ भाई गने की मजा के भाई, सबको लेता दिया ख़त्म। क्या सब जॉम्बीज भाई, आसपास के सब खत्म, ये देखो सब खत्म भाई, सब लाशे भाई। डॉग से भी बदतर तो ये है। इस कोई नहीं, आगे देखते हैं। ओ भाई, बहुत ही क्लोज कॉल था ये, एक और क्लोज कॉल भाई। ये डॉग मार रहा क्यों नहीं अभी इन्हें, इसका क्या किल का टाइम रहता है क्या? हाँ, मोटर लेता हूँ पहले। ओ अभी पेला उसने, आई थिंक सो उसका थोड़ा कूल डाउन टाइम रहता है, जैसे इम्पोस्टर्स का रहता है, 30 सेकंड में एक किल। कोई नहीं, चलेगा। ओ भाई, डॉग को क्या ही बचाया, एक और बार बचाया भाई। पेल देना एटलीस्ट, आई थिंक सो ये जो जॉम्बी ज़्यादा जिंदा रहते हैं ना, उनसे डरता है, एक नहीं मार पाता। जो एक लाइफ के रहते हैं ना, उनको ईजिली पेल देते हैं। जो बहुत ही बुरे हुए रहते हैं ना, मतलब एकदम वाइल्ड कलर पूरा स्केलेटन दिखता है, वो जॉम्बी बहुत दो हिट खाता है, तो उनको दो गोली मारते हैं या फिर शॉटगन से एक गोली से पिट जाते हैं। तो देखते हैं इस, अभी मेरे को समझा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आई थिंक सो स्टोरी टाइम आने वाला है, सो इन्जॉय। और सब टाइटल पढ़ लेना। जो पिछला एपिसोड में पता चला था कि वो जेम्स के डैड बेट हो गए थे, अभी वो कंफर्म हो गया था कि वो जॉम्बी से ही बेट हो गए थे। तो जो हेलेन चिल्ला रही थी, वो पता चला कि उसका डैड जॉम्बी में कन्वर्ट हो रहा था, और बहुत अजीब लग रहा था, बहुत बदतर लग रहा था, पर क्या कर सकते हैं। तो इधर आई थिंक सो एक और आया, और एक नया गन भी। ओ भाई, ये क्या है, चेनसॉ जैसा है कुछ तो लगा ही था भाई साहब। ओपी, अभी मज़ा आएगा भाई, बहुत ही बदतर मार दी गई है जॉम्बीज को। बस ये गन का एक प्रॉब्लम है कि इसको अनलिमिटेड टाइम में चला सकते हो, ऊपर जो बार मीटर है ना वो बताता है कि कितने देर चला सकते हैं, एकदम फ्यूल जैसा रहता है वो। तो अगर वो पूरा ब्लैकआउट हो गया, मतलब ख़त्म गन। कोई नहीं, तब तक मज़े कर लेते किल्स के साथ ही। और आई थिंक सो एक दो बार तो चला ही पाऊँगा मैं। ओ भाई, दो बार चला लिया, तीसरी बार। ओ नाइस, चार बार भाई, बहुत ओपी गन था ये, अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा चला। बस अभी 1000 मीटर में कोई इन 15 गोली के साथ जाना है भाई। मेरे को ये बात नहीं समझा कि अगर ऐसा ज़ॉम्बी एक्लिप्स होगा तो इतना मैं भाग भी पाऊँगा क्या, या कोई और 1000 फीट मतलब भाई। और ये नहीं समझता मेरे को कि जब स्टोरी टाइम आते हैं तो ज़ॉम्बीज पीछे से क्यों नहीं आते है? पर गेम है, ज़्यादा उसको ओपन वर्ल्ड नहीं बनाते, ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं बनाते, नहीं तो लोग मुझे गालियाँ बकेंगे, बोलेंगे कि तुम ही गेम खेल रहे हो, तुम ही पूछ रहे हो, मतलब क्या ही मतलब। ओ भाई भजिया, एक बार नाइफ कर दिया, अभी अगली बार अगर क्लोज कॉल हो गया तो ख़त्म। और मुझे वापस इतना 1900 मीटर का रन नहीं दौड़ना है फिर से भाई। वॉइस ओवर और एडिटिंग करते करते हालत ख़राब हो जाता है, क्या ही बोलूँ।
ओ भाई ये एक लॉन्ग शॉट था ओपी। और अगर आप राइट में जो 3 नेट दिख रहा ना, हाँ वो मुझे बीच में मिला था इन्वेंट्री में, एक क्रेट खोल के तो मुझे 3 नेट्स मिल गए थे फ्री के। तो अगर मैं वो डालूंगा तो ज़ॉम्बीज पिट जाएंगे, पर ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि जब क्लोज कॉल आएंगे ना तभी यूज़ करेंगे। तो होपफुली नेक्स्ट एपिसोड में यूज़ करने का ट्राई करेंगे, और आई थिंक सभी स्टोरी टाइम आने वाला है, सो इन्जॉय द स्टोरी टाइम। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज़ वीडियो। और आई थिंक सो ये फर्स्ट चैप्टर का एंडिंग था। तो जेम्स के जो डैड है वो जॉम्बी बन गए थे, पता नहीं कैसे एक जॉम्बी से बिट होके, और उस हेलेन और मैगी दोनों उधर फंसे थे उसके साथ, तो हेलेन को मारना पड़ा उसके डैड को। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज़ वीडियो, और देखते हैं अगले एपिसोड में क्या देखने मिलेगा। टिल देन गुड बाय। माचूदा 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 माचूदा।